मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। इस बार मैं बोर्नियो के घने जंगलों में आया हूं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ों में से एक है। मुझे पैर टिकाने में परेशानी हो रही है। यहाँ तो हर जगह खतरे ही खतरे छिपे हैं। अरे बच गया। ये जगह बेहद खतरनाक है। मैन वर्सेस वाइल्ड। बोर्नियो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टापू है। करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये टापू लगभग टेक्सास जितना बड़ा है। खतरनाक पहाड़ों और बेहद घने जंगल से ढकी इस जगह पर कमाल के जानवर और पेड़ पौधे हैं। कुछ साल पहले एक जर्मन हाइकर बोर्नियो के इन्हीं जंगलों में भटक गया था, तो उसकी लाश ढूंढने में कई महीने लग गए। भूख से उसकी मौत हुई थी। मैं आपको सिर्फ इस जगह पर बचना ही नहीं, यहाँ से जिंदा बच निकलने का तरीका बताऊंगा। हमें नीचे जाना है। बोर्नियो में जंगल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है पहाड़ों से नीचे उतरना। उस तरह से आप जल्दी से किसी नदी या सोते तक पहुंच सकते हैं, और बस्तियां भी अक्सर घाटियों में ही होती हैं। मैं अभी बोर्नियो में हूं और दुनिया के एक बेहद खतरनाक जंगल से जूझ रहा हूं। गुफा से बाहर निकलकर मैं पानी के एक सोते तक पहुँच गया हूँ। इसी वजह से जंगल की नदियाँ बेहद खतरनाक होती हैं। ये नदियाँ देखते ही देखते किसी मालगाड़ी जैसी बन जाती हैं, बिल्कुल तेज। बारिश का पानी इतनी तेजी से बहता है कि नदी को पार करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो गिरी हुई लकड़ी बही तो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को बहा ले जाएगी। दूसरी तरफ से नीचे उतरते हैं। अब मैं झरने के बीच से होकर उस तरफ के किनारे तक पहुंचना चाहता हूं। उम्मीद है रास्ता आसान होगा। यही रास्ता आसान है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। नदी में बड़े गीले पत्थर पड़े होते हैं, इसीलिए जंगल के रास्ते आगे बढ़ना ही ज्यादा आसान होगा। बस नदी के साथ साथ चलते रहिए, क्योंकि ये नदी ही यहाँ से निकलने का रास्ता है। ये एक जड़ों का सिस्टम है। ये किसी गिरे हुए पेड़ की जड़ें हैं, और देखिए बिल्कुल नीचे तक गई हैं। मैं पहले इन जड़ों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता हूं। ये शायद हाल ही में हुए लैंडस्लाइड से गिरे हैं। यही वो वजह है जो इन जंगलों को इतना खूबसूरत और खतरनाक बनाती हैं। यहां थोड़ी सी जगह है, मैं खड़ा हो सकता हूं। जरा नीचे झांक कर गहराई देखिए। मैं भी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। इस जंगल में सिर्फ इन पेड़ पौधों से ही सावधान नहीं रहना पड़ता, बल्कि यहाँ तो ऐसे जीव भरे पड़े हैं जो आपके खून के प्यासे हैं। जरा ये देखिए, इनकी वजह से यहाँ सावधान रहना जरूरी है। ये देखिए, ये कांटे देख रहे हैं? अगर नीचे उतरते वक्त आपने गलती से इन्हें पकड़ लिया तो ये आपके हाथों की चमड़ी उधेड़ देंगे। इनसे एक अलग परेशानी ये है कि ये टूट कर शरीर में धंस जाते हैं और इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे किसी चीज को पकड़ने से पहले अपनी सिक्स सेंस से काम जरूर लें। ध्यान दें कि आप किसी ऐसे तने को पकड़ें और ना ही किसी ऐसे तने को। मैंने बोर्नियो के जंगल में रात बिता ली है, दुनिया के एक बेहद खतरनाक बीहड़ में। कल मैंने मछली पकड़ने का एक फंदा लगाया था। अब जरा देखें नाश्ते में क्या है। मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने सोचा था इसमें एक दो मछलियां तो फंस ही जाएंगी। सारी मेहनत बेकार चली गई। लगता है आज मुझे नाश्ता नहीं मिलने वाला। शायद और फंदे लगाने चाहिए थे। खैर चलिए अब आगे चलते हैं। वाह क्या नजारा है। मुझे जंगल की यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। कई बार हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जहां कभी कोई इंसान शायद ही पहुंच पाया हो। ऐसा मौका कभी कभी ही मिलता है। देखिए इसे। मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी जगहों के मुकाबले
जंगल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा थका देते हैं, मानो हर चीज आपके जान की दुश्मन हो। जब मैं किसी ऐसी मुश्किल जगह में फंसता हूँ तो अपने आप से एक ही बात कहता रहता हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं खुद से कहता हूँ कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। जंगल से लड़ने का ये मेरा अपना तरीका है।